आपको भी दिख रहा होगा कि ऑड सीजन आ रहा है, यानी कि ऑड कॉइंस अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर चुके हैं। इसके पीछे मेन रीजन आपको BTC भी दिख रहा होगा कि BTC लगभग $44,000 तक पहुंचा, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। यानी कि $15,000 वाला BTC बहुत ही मुश्किल से $25,000 तक पहुंचा, और उसके बाद देखते देखते ये लगभग $45,000 तक पहुंच गया पिछले कुछ दिनों के अंदर। एंड डेफिनेटली जितने भी ऑड कॉइंस हैं, इवन मीम कॉइंस भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त। तो आखिर इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? तो मेन रीज़न आपने शायद सुना होगा, एक तो ये होता है कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन काम डाउन होना शुरू हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे जो है वो है ETFs का अप्रूवल होना। यानी कि BTC के जो स्पॉट ETF है, या फिर और भी काफ़ी सारे ETFs हैं, इवन कुछ एथेरियम वाले ETFs हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो क्रिप्टो करेंसीज वाले ETFs हैं, उनकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी NASDAQ, NYSE, OBE, ऐसी कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर। लेकिन ये कब शुरू होने वाली है? तो आज के हम वीडियो में इसके कैलेंडर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस दिन ये पब्लिश किया गया, या फिर किस दिन इसकी डेडलाइन है, कब ये अप्रूव होगा। तो सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वीडियो को शॉर्ट रखूँ, लेकिन वीडियो आप सेव करके रख लेना, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं आपको डेट्स बताने वाला हूँ, इन डेट्स को क्या कि पर्टिकुलरली इन दिनों के अंदर एक दिन पहले या फिर उस दिन BTC अच्छा पंप होने वाला है, एंड डेफिनेटली ऑल ओवर मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करेगी। ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप है 1.6 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है। मेरे एक्सपेक्टेशन ये है कि 3 ट्रिलियन से भी ऊपर जा सकता है, यानी कि यहां से दो गुना इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप के। BTC भी डेफिनेटली मैं इसको यहां से 2x तक एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव वीडियो आपके लिए होने वाला है, जिससे आपको हर एक चीज की क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों BTC अच्छा परफॉर्म करने वाला है। हम बहुत लंबे समय से सुन रहे थे कि हां 2024 आएगा तो तब बुल मार्केट आने वाला है। जी हां दोस्तों, अभी 2023 एंड होने वाला है, दिसंबर का महीना आ चुका है और 2024 शुरू हो जाएगा। 2024 में क्यों बुल रन आने वाला है? क्योंकि इसके पीछे रीजन मेन ये है कि काफी सारे ऐसे ETFs हैं, लगभग 10 या फिर 15 ऐसे ETFs हैं जिनका अप्रूवल आने वाला है, जिसे मार्केट पूरी बुलिश होने वाली है। ये कैसे होगा, आइए जानते हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप तक मेरी बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुंच रहे। एंड हाँ, अपडेट्स एंड न्यूज आपको मिलते रहेंगे हमारे टेलीग्राम के ऊपर वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसके ऊपर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत हम करने वाले हैं टॉप ETF से, टॉप ETF यानी कि टॉप कंपनीज के द्वारा जो ETF फाइल किए गए हैं। लेकिन इसी के साथ ध्यान रख लो, ये याद रख लो कि यहाँ पे तीन ही ऐसी एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर ये लिस्ट होने वाले। एक तो है NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा CBOE जो कि शिकागो की एक्सचेंज है, तीसरा जो है वो है NASDAQ। तो NASDAQ वन ऑफ द बेस्ट होता है, यानी कि इसके ऊपर अगर कोई भी लिस्टिंग हो जाती है तो डेफिनेटली अच्छा पंप हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब तीनों के तीनों क्या है कि तीनों के तीनों अमेरिकन है। अब अमेरिका से ही जब पॉजिटिव न्यूज आती है, USA आती है, तो उसी से BTC ऊपर बढ़ता है। जी दोस्तों, ये तो फाइनल ही है कि अमेरिका से ही शुरुआत होती है, US से शुरुआत होगी तो बाकी कंट्रीज में भी सारी क्रिप्टो मार्केट्स इवन स्टॉक मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि क्या सच में ETFs में प्रॉफिट्स होते हैं या नहीं होते। यहां पे आप देख सकते हैं वेलकैरी का 2023 का रिटर्न है 108%, बिटवाइज का है 97% 2023 का ही, इन्वेस्को का कितना है लगभग 97% 97% है, ग्लोबल एक्स का 73% है, हैशटैग्स का 51% है। तो ऐसे ETFs भी प्रॉफिट देते हैं, एंड यही कारण है कि क्यों इससे पूरी मार्केट इंपैक्ट होती है। आपको लग रहा होगा कि शायद ETFs की न्यूज़ ऐसी आती रहती है, जैसे कि अभी इन्फ्लेशन की न्यूज़ हमेशा महीने में 2-3 बार आती है, लेकिन ये सच में इंपैक्ट डालते हैं। अब सबसे पहले ETF की बात करते हैं, तो यह है ग्रे स्केल का ETF जो कि रीफाइल किया गया है ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के नाम से। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये फिजिकली बैक्ड है और लिस्टेड है NYSE के ऊपर। तो इसकी जो डेडलाइन है वो अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं है, ये मैं इसलिए सबसे पहले बता रहा हूँ क्योंकि इसकी डेडलाइन एक्चुअल में पता ही नहीं है, लेकिन 2024 में हम इसकी पूरी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। अब दूसरा जो है, दूसरा 21 शेयर्स एंड ARK। अब इसमें ARK इन्वेस्ट कंपनी है और 21 शेयर्स हैं, दोनों ने एक रीफाइल किया CBOE में ARK 21 शेयर्स बिटकॉइन ETF, इसको ARK8 भी बोला जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें आपको दिखेंगी, एक तो यह कि ये कस्टोडियन कौन सा है इनका और फॉर्म कौन सा है इन्होंने, 119B4 फॉर्म इनका, जो कि लगभग सभी का यही है। और कस्टोडियन जो है कॉइन बेस है, क्योंकि कॉइन बेस के ऊपर ज़्यादा अभी भरोसा किया जा रहा है, इवन कई बार जेमिनी जैसे एक्सचेंजेस का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको कॉइन बेस ही देखने वाला है। तो दूसरा जो मैंने आपको बताया यू है 21 शेयर्स का, तो इसकी जो पब्लिश किया गया था ये अप्रैल 25, 2023 को पब्लिश किया गया था, और इसकी जो नेक्स्ट डेडलाइन है ये January 10, 2024 की है। अब तीसरी सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है ब्लैक रॉक, जिन्होंने आई शेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट IBTC के नाम से लिस्ट करवाने के लिए अप्लाई किया NASDAQ के ऊपर, और इसकी जो डेडलाइन है यह 15 जनवरी 2024, लेकिन इसके बाद एक फाइनल डेडलाइन भी दी गई है जो है March 15, 2024। तब देख सकते हैं जनवरी से ये सब कुछ शुरू होने वाला है, जनवरी 10 की बात करी हमने, फिर उसके बाद जनवरी 15 की बात करी, फिर मार्च 15 तक जाएगा, यानी कि लगातार यहाँ पे इसी की अपडेट्स आने वाली हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली BTC पंप होने वाला है।
और एक और चीज मान लो कि यहाँ पे लगभग 90% या फिर उससे भी ज्यादा चांसेस है कि सारे के सारे ETFs अप्रूव होने वाले हैं। अब चौथे की बात करेंगे बिटवाइज, तो बिटवाइज ने रीअप्लाई किया, बिटवाइज बिटकॉइन ETP ट्रस्ट जिसको हम बाइट के नाम से भी जान सकते हैं, और ये NYSE के ऊपर ये लिस्ट कराना चाहते हैं। इसकी जो नेक्स्ट डेडलाइन है ये है 14 जनवरी 2024। आप देख सकते हैं सारी लगभग सिमिलर डेडलाइंस हैं, जनवरी 10 से लेकर 14-15 इस तरीके से चल रही हैं, और फाइनल डेडलाइन है अगेन 14 मार्च 2024, जो अगेन पिछली जो डेट है उससे क्लोज है। अगली जो सबसे बड़ी कंपनी से एक है वो है वैनिक, तो वैनिक ने अपना वैनिक बिटकॉइन ट्रस्ट के नाम से लिस्ट करवाने की कोशिश करी है, रिप्लाई इन्होंने किए CBOE जो कि शिकागो की एक्सचेंज है उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ये थोड़ी सी डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे जो डिपॉजिट है ये जेमिनी है, यानी कि इसका जो कस्टोडियन है वो जेमिनी है, और इसकी अगेन जो नेक्स्ट डेडलाइन है 15 जनवरी 2024 एंड नेक्स्ट फाइनल डेडलाइन 15 मार्च 2024। अब आपको दिख रहा होगा कि सारी 15 मार्च या फिर जैन से लेकर मार्च तक की है, ये इसलिए क्योंकि उसके बाद एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, तो सभी की कोशिश यही है, इवन गवर्नमेंट की कोशिश भी यही है कि इसका जो फाइनल जो रिजल्ट है अप्रूवल होगा या रिजेक्ट होगा वो ये पहले पहले दे देंगे मार्च महीने के अंदर ही। सेवंथ जो है ये है विजडम ट्री, तो विजडम ट्री ने भी रीअप्लाई किया, विजडम ट्री बिटकॉइन ट्रस्ट के नाम से, इसको BTCW के नाम से जाना जाता है, और ये लिस्ट होगा CBOE के ऊपर। इसकी जो नेक्स्ट डेडलाइन है ये 15 जनवरी और फाइनल 15 मार्च है अगेन 2024। इन्वेस्को एंड गैलेक्सी ये है 8th ETF जिसको इन्वेस्को गैलेक्सी बिटकॉइन ETF के नाम से जाना जाता है, BTCO के नाम से ये लिस्टेड है और CBOE, तो यहाँ पे इसकी डेडलाइन अगेन है 15 जनवरी 2024 एंड फाइनल डेडलाइन 15 मार्च 2024। तो ज़्यादातर सारी जो डेट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। फिडेलिटी जो है, फिडेलिटी कंपनी का इनका खुद का है वाइज ओरिजिन बिटकॉइन ट्रस्ट, ये अगेन CBOE के ऊपर ही अप्लाई किया गया है। अब इसकी एक चीज़ डिफरेंट है कि इसका जो कस्टोडियन है वो फिडेलिटी खुद ही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डेडलाइन जो है वो 15 जनवरी 2024 है एंड नेक्स्ट जो डेडलाइन है वो 15 मार्च 2024। अगली जो बड़ी कंपनी है यह है वेलकेरी, जो कि 9th ETF की हम बात करने वाले हैं। इसका है जो सिंबल है BRRR के नाम से है, वेलकेरी बिटकॉइन फंड, ये नेस्डेक के ऊपर लिस्ट करवा रहे हैं, तो इसकी जो डेडलाइन है 17 जनवरी 2024 को है, यानी कि दो दिन के बाद ही है, और जो फाइनल डेडलाइन है ये मार्च 19 2024 है। अगला जो हमारा ETF है ये है 10th ETF ग्लोबल एक्स के नाम से, ये रीफाइल किया गया ग्लोबल एक्स बिटकॉइन ट्रस्ट के नाम से CBOE के ऊपर, और इसका कस्टोडियन भी कॉइनबेस है। 21 नवंबर 2023 की इसकी डेडलाइन थी जो कि निकल चुकी है, अगली जो डेडलाइन है अप्रैल 19 2024 है। अब 11वें ETF की बात करें, हैशडेक्स, तो हैशडेक्स ने अप्लाई किया हैशडेक्स बिटकॉइन ETF के नाम से NYSE के ऊपर, यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। इसकी डेडलाइन है 31 मार्च 2024 की और फाइनल डेडलाइन है मई 30 2024, यानी कि उसके बाद अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। 12th जो ETF है ये फ्रैंकलिन ने फाइल किया है, फ्रैंकलिन बिटकॉइन ETF, ये लिस्ट होगा CBOE के ऊपर, इसके कस्टोडियन भी कॉइन बेस है, और 31 मार्च 2024 इनकी नेक्स्ट डेडलाइन है, मई 30 2024 इनकी लास्ट फाइनल डेडलाइन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेंडो के नाम से कंपनी है, उन्होंने पेंडो एसेट स्पॉट बिटकॉइन ट्रस्ट लिस्ट करवाने की कोशिश करी है CBOE के ऊपर, इसके कस्टोडियन भी कॉइन बेस है, तो फरवरी 8 2024 इनकी डेडलाइन है, यानी कि जनवरी के बाद ही फरवरी में इनकी डेडलाइन आने वाली है, एंड फाइनल डेडलाइन इनकी होगी अगस्त 21 2024। तो आप देख सकते हैं जनवरी महीना, फरवरी महीना, मार्च महीना, उसके बाद इवन अप्रैल और मई में भी एक दो ऐसी डेट्स हैं जिनमें कुछ ETFs की डेडलाइंस हैं, और इवन अगस्त तक ये जाती हैं। तो आपको मैंने सारी डेट्स बता दी, ये सारी डेट्स को मार्क करके रख लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि आपको ये हमेशा ध्यान में रहे कि कब BTC इनकी फाइनल न्यूज़ आने से पहले पहले अच्छा पंप करने वाला है और जिसका हमने फ़ायदा उठाना है। तो ये थे हमारे टोटल 13 ETFs। अब थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ कि ETF क्या है। जनरली कुछ इंडेक्स होते हैं, जैसे कि इंडेक्स हो गया या फिर इवन कुछ स्टॉक्स भी होते हैं, कुछ लोग सिर्फ डायरेक्टली स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ फॉरेक्स में करते हैं, वैसे ETF होते हैं। ETF में क्या है कि अगर कोई डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं लेना चाहता, यानी कि डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना चाहते, लेकिन वो ETFs में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डायरेक्टली BTC में करेंगे तो हमें इस वक्त कितने चाहिए, लगभग $43,000-44,000 चाहिए तभी हमें एक बिटकॉइन मिलेगा। लेकिन ETF में क्या है कि ETF के कुछ शेयर्स बन जाते हैं, आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, और जैसे आप देख सकते हैं GBTC के यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी है $34.92, तो आपको इतना बड़ा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि बिल्कुल शेयर्स की तरह रहता है। लेकिन यहाँ पे एक्सपोजर किसका मिलता है, BTC का या फिर क्रिप्टो करेंसीज का। आप यहाँ पे वैनिक का देख सकते हैं, XBTF जो है उसकी $40 के आसपास वैल्यू चल रही है। ऐसी हर एक ETF की एक वैल्यू होती है और ये धीरे धीरे उसके बाद हमें प्रॉफिट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट परफॉर्मेंस। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, लेकिन अगर आपको ETF के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट कर दो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।